बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। मम्मा का चावलों का पानी ये रखती है उन्होंने बॉयल होने के लिए, और मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रखते हैं क्योंकि मुझे जो है सैंडविच तैयार करने हैं। और उमरा जो है ये जामेश्वरी बनाएगी, और अब ये चीनी मिक्स कर रही है। हमारे अंडे हो चुके हैं बॉयल, उमरा जो है ये अंडे छीलेगी। उमरा ऐसे नहीं तोड़ते, ऐसे तोड़ते हैं अंडा टूट जाता है। इसको करना है जी हमने मैश, तो ये गया। अब हट गंदा। और मम्मा ने अपनी सारी मैल कुचैल भी डाल दिया, पता जितने गंदे हाथ हो उतना लजीज खाना बनता है। देखिए भाई भी आपको यही कहते हैं, हम भी आपको यही कह रहे हैं। भाई गैस से लेके धोखा दे दिया, गैस से धोखा दे दिया। हमारा दस्तरखान सज चुका है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है? वेलकम करते हैं आपको अगले व्लॉग। भाई बोलना नहीं आ रहा। आज हम बनाएंगे अफ्तार, क्योंकि मामा लाहौर आ गई हैं और एक दो तीन अफ्तार मामा के साथ होंगे। तो अभी मामा की स्पीड इतनी ज्यादा है कि मुझे कैमरा सेट करते करते मामा ने इतने आलू काट भी लिए हैं। ये पकौड़ों का मटेरियल बन रहा है और मैं बनाऊंगी आलू गोश्त, और उसके लिए भी मैंने आलू वो सारा कुछ काट कूट के रख लिया है। लेकिन अब जो है हम बनाएंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हमें, मम्मा की वजह से देखते रहे और भाई देखते रहे। छोटे लोग हैं हम, तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। ये देखे मम्मा ने आलू क्रश क्रश कर लिए हैं। अब आलूओं की हैर नहीं है क्योंकि आज वो हत्थे चढ़ गई हमारी मम्मा के। यस, आलू बचा लिए थे, कहां गए थे? इसकी टोकरी में मामा सो रहे थे। ये क्या था भला? हाँ काफी है। ये बेसन है जी, ये बेसन है। शापट फट जाएगा, मामा कह रही है लेकिन मुझे नहीं पता है यार। मुझे जब मैं इसे आलू गोभी थी ना, तो मुझे सबसे पहला काम जो मैं करना शुरू हुई थी वो थे चावल साफ करना। आज तक मैं वही कर रही हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जल्दी चावल साफ करते हैं ताकि मम्मा चावल बना सके। अब उधर घर के चावलों का अपना मजा होता है, अब हमारी अपनी फसलें हैं, मतलब हम चावल आटा हमारे घर का होता है। और कभी ऐसा हो जाए कि खत्म हो, या फिर अभी उधर मशीन पे हो कि अभी चावल नहीं आए घर पे, तो दुकान से लेके बनाने पड़ जाए, मम्मा इतना सुंदर टेस्ट हो वापिस हो जाए। तो घर के चावल जमीने ले और अपने चावल आटा बना के खाया गया। अब देखिए हम अगले दिन का व्लॉग बना रहे हैं और उमरा ने फिर वही सूट पहना है। उमरा एक एक सूट में 10 दिन गुजारती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो प्लीज आप इसको इग्नोर करेंगे, नहाती भी नहीं है ये, अपनी ईद पे ही नहाती है। मम्मा का चावलों का पानी ये रखती है उन्होंने बॉयल होने के लिए, और मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रखते हैं क्योंकि मुझे जो है सैंडविच तैयार करने हैं। और उमरा जो है ये जामेश्वरी बनाएगी, और अभी ये चीनी मिक्स कर रही है। अभी हम जो है इसको हम कर रहे हैं बंद गोभी को चॉप, मेरे ख्याल से बढ़िया है ना। ये बता दो सबको कि हमने रेसिपी चोरी की है अरीब क्या नाम है उसका, डकी भाई, अरूब और डकी भाई की, क्योंकि उन्होंने भी सैंडविचेस बनाए थे तो मुझे बहुत आसान लगे, तो हम भी आज उनकी कॉपी करेंगे। बस एक चेंज मैं करूंगी, उन्होंने चीज नहीं डाला था लेकिन मैं इसके अंदर चीज भी ऐड करूंगी, तो देखना आपने पूरा ब्लॉग। और ये बिल्कुल आज हेल्प नहीं कर रहा है अफ्तार बनाने में। मोहम्मद अली हाय कर दो मेरे फैंस को। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल, हाय कर दो। हाय मम्मा जो है ये चावल ढालने लगी हैं, और ये चावल इस साइड से खाती हूँ। साथ साथ देखे मेरे अंडे बस बॉयल होने ही वाले हैं, हो गए ही, अभी होने हैं ना, बस सही है। अच्छा ये जो आखिरी के चावल होता है ना, दिल करता है बंदा चख ले, बस खा ले कच्चे चावल। चम्मच ही लाना, अभी चम्मच कह रहे।
मम्मा जो है वो पालक भी काट लिया मम्मा ने और मेथी भी काट रही है। मम्मा मेथी क्यों वैसे डालते हैं? जायका ज्यादा आता है। ठीक है भाई, पकौड़ों में आज आपने भी आज के बाद जो है ना वो मेथी भी डालनी है और पकौड़े वो पालक भी डालनी है, फिर बनेंगे अच्छे पकौड़े। और ये उमरा ने इसमें डाल दिया है कलर रेड ड्रैकुला, तो ये बन गया शुरू। अब अभी फ्रिज में रखने जा रही क्योंकि हम कम पीते हैं इसलिए हमने थोड़ा बनाया। उमरा अभी इसकी साइड्स काटेगी। उमरा सही सही काट, कितनी सफाई से उमरा ने काटी है। क्या बात है भाई उमरा, कहाँ से सीखी है आपने? पर डक्की का मुकाबला, डक्की का मुकाबला नहीं है भाई, नहीं है। उमरा कहाँ से सीखी है? डक्की भाई से। ठीक है भाई। गाइस ये देखिए मम्मा को चूल्हा नहीं ऑन करना आ रहा, नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक का आप करंट भी लग सकता है भाई, उस तक जाएगा तो लगेगा ना। बेटा ये हम जैसों के काम है, आप जैसों के। ये हमने जाया नहीं करना, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ये पकौड़ों में डालोगे बड़े क्रिस्पी बनेंगे। है मो उमरा तो अपने जो गार्डनर लगा, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और किसी और चीज में डालेंगे वो इसमें क्रिस्पी बनते हैं। ये उमरा सुबहता पना बन चुप कर। ये हमारे सैंडविचेस की प्लेट तैयार हो रही है, ये बंद गोभी है, ये ब्रेड की साइड तुमरा ने काटती है। अब हम अंडों का मसाला करते हैं। हमारे अंडे हो चुके हैं बॉयल, इसको हम करते हैं बंद और भाई इसको हम रखते हैं टूटी के नीचे ताकि जल्दी जल्दी जो है गर्म पानी निकले और हम इसको तोड़ें। उमरा जो है ये अंडे छीलेगी। उमरा ऐसे नहीं तोड़ते, ऐसे तोड़ते हैं और अंडा टूट जाता है। ये आगे हैं जी अंडे हमारे पास, अब हम करते हैं इसको मैश। उमरा ही करेगी, मैं बस उमरा को बताऊंगी। इसको करना है जी हमने मैश, तो ये गया। तू भी ऐसे ही कर, उमरा गंदा जितना काम है उतना मजा आता है ये देख। और डक्की भाई ना बनो, वो भी जो गंद छोड़ दे। अब हट गंदा। मैंने खराब प्लेट ले लिया घर की, इसके अंदर डालेंगे चीज और इसको ओवन करते हैं, माइक्रोवेव थोड़ा सा करेंगे और इसको जो है ना उसमें डालेंगे। मुझे लगता है इस तरह ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, थोड़ा सा चीजी चीजी हो जाएगा। वॉर्म कितना लगाना है? 30 सेकंड काफी है? बस हल्का सा करेंगे क्योंकि अब हम जी निकाल रहे हैं, पता नहीं अब अल्लाह खैर करे चीज का। और चीज मेल्ट हो चुकी है। उमरा जल्दी आ जा, ये जम जानी है, जल्दी जल्दी इसके अंदर डाल। चम्मच दूं इसको सारा कुछ जो है ना इसके अंदर मिक्स कर दे, ये ज्यादा हो जानी है, इसको ना थोड़ा निकाल दे, ये जाया कर दे। उमरा चल डाल दे जल्दी डाल, जल्दी हाथ से मिक्स कर, दूसरा चम्मच ले लो। इसमें नमक डाल दें थोड़ा। उमरा कम, बस उमरा 2-3 सैंडविच है। वो ब्लैक पेपर थोड़ा सा और डाल, बस बड़ा। उमरा है ना फिलिंग करेगी, और उमरा जल्दी जल्दी कर बस फिलिंग। यस शाबाश, हम चार लोग हैं तो हम एक एक सारे खाएंगे क्योंकि हमारे पकोड़े भी बन रहे हैं। पकोड़ों का मटेरियल भी जो है वो तैयार हो चुका है। आलू डाले हैं हमने, प्याज डाला है, मेथी डाली है, पालक डाला है और इसमें भी नमक मिर्च डालने हैं। ठीक है, नहीं शक को हम चेक कर, वो देखो मामा जो है बुराइयां कर रही है हमारे जीजा जी के साथ बैठ। ये हमारे बन गए, इसको हम लाइट सा माइक्रोवेव करेंगे जब अफ्तार का टाइम बिल्कुल पास होगा ताकि गरम गरम मजा आए। वैसे हम सॉसेस भी डाल देते ना, उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो गाइज मेरा सालन कंप्लीट हो चुका है और मामा के चावल जो मामा बना रहे थे वो भी बन चुके हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं, क्या बात है। ये जीरे वाले चावल बन चुके हैं और भाई आज मज़ा आने वाला अफ्तार का। और इस कीड़े को तो मैं ही मारूंगी, ना मारूँ ये जुल्म करती है कीड़ों पे। बड़ा बदतमीज, मारना ऐसे बस बैठे फिर आ जाता यार, ये कितना ढीठ है। ओए तेरा घर उधर उधर को जा, ओए 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 ओए। मैं नहीं मारी भाई इस रोजों में, मैं नहीं कतल कर सकती किसी का, क्यों भाई अच्छी बात नहीं है।
ओके गाइस, तो मामा ने जैसे आपको पता है मिर्ची वगैरह डाल दी थी, अब बेसन डाल दिया, अब हमारे पकौड़े बस ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। हम अपनी बहन से बात कर रहे हैं और मामा ने अपनी सारी मैल कुचैल भी डाल दिया। पता है जितने गंदे हाथ हो उतना लजीज खाना बनता है। डकी भाई भी आपको यही कहते हैं, हम भी आपको यही कह रहे हैं। कैसा रोजा गुजारा यूके वालों? खोल लिए? क्या बनाया था अफ्तार में? आप लोगों ने रोजा नहीं रखा? बच्चे हो? अरहम हो, छोटे बच्चे हो क्या? कहती अरहम हो, भूख लगी हुई है। इन लोगों ने कहा होना कि हम टाइम पास करते हैं, इनको कॉल कर लेते हैं। यार डोंट कॉल मी अ वर्स्ट नेम बिकॉज मेरे सारे फैंस देख रहे हैं। मामा यार ये जीजा जी हमारे जीजा जी नहीं है, आपके ही बस दिमाग है, ये ले आप फेटे मार। एक मिनट पुत्र मैं कोल लवे सही से कोल लवा सबर कर कोल लवा पुत्र। अवतार में रह गया आधा घंटा, हमारे घर में किसी को टेंशन नहीं है। मेरी मामा वो बैठ के मेरी जीजा जी और मेरी बहन के साथ गप्पे मार रही है। ये देखें और ये मेरा भाई सोया पड़ा है और उमरा भी मैं दिखाती हूँ क्या कर रही है। उमरा को सिर्फ अपनी बुक्स का लेना देना, हालांकि होना इसने फिर फेल ही है, मतलब क्या करें हम। और मैं अकेली जो है ना पूरे घर में मैं डला रही हूँ कि अवतार कर लो, लेकिन किसी को भी फिक्र नहीं है। और ये देखिए ऑयल हमने जला दी है, ये देखे, और इसको हम मेरे ऊपर ना गिराई आरती ले रहे उमरा। इधर रखो दो तीन का वेदर जरा आपको दिखाते हैं। क्या बात है, कितना मजे का मौसम है। देखिए साइकिल चला रहे, किधर चला रहे, कुधर चला रहे। अब उमरा जो है ये पकौड़ों का पकौड़े बनाएगी, पतले पतले बना उमरा, फिर ऐसे कच्चे रह जाएंगे यार। बेटा उमरा ऐसे ही डालते, पीछे मैं डालती हूँ वही ऐसे। तो अब ये हमारे पकोड़े तो बन गए हैं जी, उमरा ये निकाल ले, फिर हम बाकी जल्दी जी बाकी के पकोड़े रख लें। भाई गैस चली गई, धोखा दे दिया गैस ने धोखा दे दिया। खैर इसका भी जुगाड़ है, हम आ गए हैं फोरी फोरी सिलेंडर पे। A few minutes later. अच्छा जी ये हमारा दस्तरखान सज चुका है, खजूरें हैं हमारे पास, रू अफजा है और पुलाव है हमारे पास, सैंडविचेस हैं, रायता है, पकोड़े हैं, समोसे हैं और चिकन का सालन है, आलू चिकन। ये हमने जीजा जी को ये दिखा रहे हैं। मेरे ब्लॉग में लड़ाई हो गई है, आपने इसको करना है इग्नोर। चलो जी, अच्छा चलो हम दुरूद पाक पढ़ने लगे क्योंकि हम रोज अफ्तार के वक्त जो है वो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। पूरा सामने रख क्योंकि उठ जाओ, मेरे ब्लॉग में आ रहा है उन्हें कहना भरा सुता पे है, उन्हें दुरूद पाक का पता है। मेरे भाई को रोजा लगा, ओम दली उठ जा। ये साथ जा रहा है खुद चल के चांद पर, मेरे नबी ने चांद को दर पर बुला लिया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन, जिस घर में दरूद पढ़ा जाए, वो घर न कभी बर्बाद हुआ, वो घर न कभी बर्बाद हुआ। उस घर की दीवारें चूमूं मैं, उस घर की दीवारें चूमूं मैं, जिस घर का नबी मेहमान हुआ। अल्लाह सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन।
भाई, अल्लाह ताला आज का रोज़ा प्लीज कबूल मंजूर फरमाए और सब दुआएं में हमें याद रखें प्लीज। बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। अब हम बस रोजा अफ्तार करने लगे क्योंकि एक से दो मिनट ही रह गए, जाके दुआ मांगते हैं और रोजा अफ्तार करते हैं। कम चीजें बनाए, रोज बनाए, बेशक कम चीजें बनाए ताकि बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट करने की जरूरत है। एक दो फ्राई चीजें हो जाए, खाना हो जाए और मशरूबात में एक दो हो जाए, तो इस तरह से करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। रमजान मुबारक और अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।